नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 13th of October है और संडे का दिन है। इसी के साथ आज राहुल काल का समय जो रहेगा वो रहेगा 4:15 से लेकर के 5:30 तक का। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा का दिन जो है वो आज है और कहा जाता है कि इसी दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। जी हाँ, चंद्रमा से अमृत बरसता है। ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या करना चाहिए इस दिन? देखिए, शरद पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने रास इस दिन किया था, यानी कि सभी गोपियों को एक आवाज़ दी थी। और जब सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा था कि हम आप सभी के साथ रास करना, हम सभी आपके साथ रास करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक उनको मुरली बजा करके यमुना किनारे बुलाया था तो, और उनके साथ महारास किया था। तो वो महारास का जो दिन है वो शरद पूर्णिमा का ही दिन पड़ता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा, क्योंकि चंद्रमा का महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चंद्रमा में अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो चंद्रमा में 16 कलाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान में भी 16 कलाएँ पाई जाती हैं। और आप देखेंगे कि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के और ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा से मिलने वाली जो किरणें होती हैं, ऐसी किरणें जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपको मिल पाती हैं। और इसीलिए हम क्योंकि आप जब खासतौर पे आप देखेंगे कि रात्रि का जो समय होता है, चंद्रमा जिस समय पर चंद्र उदय होता है इस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन, उस दौरान आपको करना ये चाहिए कि खीर बना करके, और हो सके तो मखाने की खीर बना करके, चावल और मखाने की खीर बना करके एक चांदी के पात्र में रखें और उसे रात भर आप कुछ देर के लिए जो जिस समय पर चंद्रमा की किरणें उस पर, यानी कि रात्रि का जो समय होगा उसमें कुछ देर के लिए आप वहाँ पर रख दें। और उसके बाद मॉर्निंग में उठकर उसको सबसे पहले आप भोग लगाइए और उसके बाद उसे आप अगर खुद से ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। कहीं ना कहीं पे आपको स्किन एलर्जीज़, खासतौर पे आपकी स्पीच से जुड़ी हुई दिक्कतें, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक का महीना भी शुरू हो जाता है। कार्तिक मास जो कि भगवान विष्णु के लिए, उनकी पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इस पूरे ही महीने में आपको कार्तिक का स्नान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भी आपको पूजना चाहिए। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इस दिन आपको संध्या काल के समय कोशिश करनी चाहिए कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप ज़रूर करें, उसी से आप इस कार्तिक मास की शुरुआत करें। तो आगे आने वाले दिनों में आपको मैं हर दिन बताती रहूँगी, क्योंकि कार्तिक मास में हर तिथि महत्वपूर्ण होती है। हर तिथि पर कोई ना कोई ओकेजन, दिवाली का जो त्यौहार आता है वो भी कार्तिक मास में ही आता है, और कई सारे बड़े त्यौहार कार्तिक मास में ही मनाए जाते हैं और शरद पूर्णिमा से इन त्यौहारों की शुरुआत हो जाती है। तो आगे आगे हम बताते रहेंगे, एस्ट्रो तक में हम ये डिस्कस करते रहेंगे कि किस दिन कौन सी तिथि और किस दिन क्या खास पूजा विधि आपके लिए रहेगी। लेकिन आज का दिन जो है शरद पूर्णिमा का बहुत खास दिन है, आज ही के दिन से ही शुरुआत हो रही है, तो आज भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आपकी राशियों की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज के साथ। द जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आर्थिक परेशानियां जो हैं वो आपके सामने आ सकती हैं। व्यापार में निर्णय यानी कि डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ कर लीजिएगा। मौके का लाभ आज उठा सकते हैं, यानी कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने कहा आपके सामने आ सकती हैं, तो उसको लेकर के आज जो भी डिसीजन आप लेंगे उससे कहीं ना कहीं पर आज लाभ आपको ज़रूर मिल सकता है। इसके साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी राशियों के साथ और बात करते हैं एरीज के लिए दिन कैसा रहेगा। द जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड निकल रहा है, आर्थिक परेशानियां जो हैं का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापार में निर्णय थोड़े से सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उत्साह जो है आपको हानि पहुंचा सकता है। कोशिश कीजिएगा किसी भी काम को करने में डाउट्स जो हैं वो नहीं रखें आप लोग। घर में किसी वाद विवाद को लेकर के अगर कोई बात उठती है तो उसे खत्म करने का प्रयास करें, ना कि आप छोटी सी बात को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर उसका असर आपकी छवि के ऊपर भी पड़ सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आज एक पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी, यानी कि उसको हल्दी से रंग करके एक चांदी का सिक्का, और कोशिश कीजिएगा थोड़े से चावल आप बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस खत्म होगी, साथ ही में जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए आगे नया काम करने का योग भी बनेगा।
बात कर लेते हैं टॉरेंस की। एस ऑफ कप्स एंड द हेरोफेरेंट कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज का जो दिन रहेगा, खासतौर पर विदेश जाने का योग बन रहा है, तो जो लोग विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, आज वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आर्थिक निवेश जो है वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। आज बुरी आदतों पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो आपकी नेगेटिव सोच हो सकती है, लोगों के साथ बातचीत करके एक दूसरे की बैक बचिंग करना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी के एडिक्शन के साथ जुड़ना भी हो सकता है, तो आज ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करके रखेगा। बड़े लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिसका लाभ आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा, यानी कि किसी के साथ मीटिंग्स जो हैं आपके आने वाले फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करके चल सकते हैं। मे बी कहीं ना कहीं पे जॉब के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को करना ये है, आज संध्या काल के समय ईशान कोण में दीपक ज़रूर जलाएं। मिथुन राशि की बात करते हैं, किंग ऑफ वॉन्स एंड टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। खासतौर पर सरकारी पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, रिलेशनशिप्स आज बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना है आज। व्यापार में नई योजनाएं जो हैं उसके लिए आप आगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचेंगे। आज संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, सफ़ेद वस्तु या फिर खाने की चीज़ों का दान करना आज अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए, पेज ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आज के दिन में संतान की तरफ से थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव में रहेंगे, पारिवारिक समस्याएं जो थी हालांकि वो हल होती हुई नज़र आ रही हैं। आज आवेश में आकर के कोई भी काम ना करें, ना ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सामाजिक आयोजन जो है आज उसमें रुचि बढ़ सकती है आपकी, या किसी की हेल्प के लिए भी आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए हेल्प के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आज भागीदारी में अगर कोई भी काम करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, उसमें अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। तो उपाय क्या करना है, आज के दिन में जो छोटी कन्याएं हैं उनको आपको डोनेशंस देनी है, या फिर किसी तरह की कोई खाने की सामग्री आप दान कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, सिंह राशि, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है आज के दिन में। नई साझेदारी से लाभ संभव दिखाई दे रहा है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कर्ज से दूर रहिएगा, ना तो कर्ज देना है ना ही लेना है आज। परिवार में किसी सदस्य की तरक्की से आज हर्ष हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज के दिन में श्री यंत्र को गाय के दूध से अभिषेक करके उसके बाद अपने घर में पूजा स्थल में स्थापित करना है, साथ ही में कमल गट्टे की माला से आपको कोशिश करना है कि माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिएगा, या फिर श्री मंत्र का जाप करके उस माला को अपने पूजा स्थल में रख देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जीज खत्म होंगी, इसके अलावा फाइनेंशियली भी आपके लिए स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि, सेवन ऑफ वॉन्स एंड फाइव ऑफ सॉल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। ऐसे अवसर जो हैं बार बार नहीं मिलेंगे आपको, तो जो समय अभी है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे काफ़ी समय से, और आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप वक्त नहीं गवाए, बिना ही आज कोई डिसीजन ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं पे आज व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कार्यस्थल पर भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, अनुकूल सहयोग बनेगा। आज उपाय ये करना है, किसी भी सुहागिन स्त्री को आप लोगों को सुहाग का सामान दान करना है, और ऐसा करने से आप देखेंगे घर में पारिवारिक रिश्ते जो हैं, कलह क्लेश जो हैं, वो खत्म होंगे। तुला राशि की बात करते हैं, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। विवाह के योग्य जो जातक हैं या जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं विवाह के लिए, उन लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, पुराने रुके हुए काम पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। गृहस्थ जीवन जो है आज शांति में रहेगा, किसी तरह का कलेश या जो विवाद चल रहा था वो खत्म होने का योग नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का कोई रिस्क लेके आप अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो वो आगे चल के भी आपको फ़ायदा नहीं करेगा, तो आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में भी थोड़ा सा सतर्कता से काम करेंगे, परिश्रम का पूरा पूरा फल मिलेगा, तो आज मेहनत करने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। उपाय की बात करी जाए तो तुला राशि वालों के लिए आज अच्छा रहेगा खाने की चीज़ों का दान करना, और ख़ासतौर पर अगर सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाए तो आपके लिए फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस तो खत्म होगी ही, साथ ही में आप लोगों को अगर किसी काम को शुरू करने के बारे में सोचते थे और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, इस तरह की समस्याएँ भी खत्म होंगी। स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, वृश्चिक राशि, थ्री ऑफ वॉन्स एंड थ्री ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आजीविका के क्षेत्र में वृद्धि होगी, आज व्यापारिक कार्य से की गई यात्राएं जो हैं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। फिजूल खर्ची से बचने का दिन है, बिना वजह की चीज़ों पर खर्चा ना ही करें आज तो बेहतर रहेगा, पारिवारिक स्थिति जो है आपके लिए वो संतोषप्रद रहेगी। विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है आज वृश्चिक राशि वालों का। उपाय के रूप में आज क्या करेंगे आप लोग, सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्य को जल देंगे, उसके बाद दोपहर के समय में गुड़ का दान करना, तांबे का दान करना, या फिर लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा।
धनु राशि की बात करते हैं, टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सॉल्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है, किसी न किसी तरह का मेडिकल कोई इशू अगर चल रहा है तो उसके लिए डॉक्टर से परामर्श करना ज़रूरी है। आज अपने सिबलिंग से थोड़ी बहुत कलह कलेश का योग बन रहा है, तो कोशिश कीजिएगा आप अपने पार्ट से चीज़ों को ना बढ़ाएं। अगर सामने वाला आपके ऊपर हावी या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो आज एक किसी चीज़ को एक लीव आउट कर देना उस सिचुएशन को, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, बजाय कि आप उस आर्ग्यूमेंट में पढ़ें। विद्यार्थियों को आज जो परिश्रम है वो करने से अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि दूसरों के ऊपर रिलाय ऑन नहीं करना है। धनुराशि वाले लोगों के लिए रुके हुए काम या बिजनेस में व्यवसाय में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा आज के दिन में किसी भी मंदिर में जाकर के कोई भी पौधा लगाना, वो आपके लिए बेहतर है। अगर कोई फल वाला पौधा लगाते हैं तो अच्छा रहेगा, इससे संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होंगी। मगर राशि की बात करते हैं, द लवर्स रिवर्स कार्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। राजनीति में थोड़ा संभल करके निर्णय ले, ये एक गलती भी इस समय पर आपके ऊपर हावी पड़ सकती है। अगर बात करी जाए नई चीज़ों की, कार्यों को शुरू करने की, तो आज नए कार्यों में आप लोगों के लिए सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। पारिवारिक संबंध जो है वो तो बेहतर हो ही रहे हैं, साथ ही में आर्थिक मजबूती भी नज़र आ रही है। मकर राशि वालों के लिए आज भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा है, साथ ही में किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के बांसुरी का दान करना भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, द डेथ रिवर्स कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आत्मविश्वास आज आपका बढ़ा हुआ रहेगा, पूरा दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, साथ ही में आपको हर चीज़ के लिए एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए जो सहयोगी हैं आपके, यानी कि जो कलीग्स हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। किसी भी काम को अगर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियसली शुरू कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप एक साथ कई सारे कामों में हाथ डाल रहे हैं और उसके बाद आप किसी भी काम में अपनी कार्यक्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के डिसीजंस जो हैं, आज आपको लेने पड़ सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय रहेगा आज के दिन में माँ लक्ष्मी की उपासना करना अच्छा है, साथ ही में माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का ज़रूर अर्पित कीजिएगा। मीन राशि, द हैंकमैन एंड द मजिशियन कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। दिन आज बेहतर दिखाई दे रहा है, वस्तुओं को इतनी संभाल करके रखें, चोरी आदि होने का खतरा लगा रहेगा। आपकी सलाह जो है उसको माना भी जाएगा, स्वीकार भी किया जाएगा और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस भी दी जाएगी। संतान पक्ष से कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए उपाय ये रहेगा, पीले रंग के वस्त्र धारण करके पीली चीज़ों का भोजन करना अच्छा है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।